शिवपुरी अंतर्गत पिछोर विधानसभा के क्षेत्र में आम चुनाव 2018 में चुनाव लड़े भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी हजारों समर्थकों के साथ अनशन पर बैठे हैं। प्रीतम सिंह लोधी ने कांग्रेस के स्थानीय विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछोर विधानसभा क्षेत्र में विधायक द्वारा दबंगई का माहौल व्याप्त हो गया है। क्षेत्र की आवाम आज दासता के जीवन से ग्रस्त है। यहाँ आम जन स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का कार्य इच्छा अनुसार नहीं कर पाता। वहीं कांग्रेस विधायक पर जमकर निशाना साधते हुए झूठे प्रकरण दर्ज करवाने का आरोप भी लगाया। आम चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे प्रीतम लोधी जी आज अपनी पत्नी के साथ आमरण अनशन पर बैठे, तो आइए जानते हैं कि आमरण अनशन पर बैठने का क्या उनका क्या मुद्दे जो है वो सामने निकल के आते हैं। सर, आप यहाँ आज आमरण अनशन पर बैठे हुए अपनी धर्म पत्नी के साथ, तो क्या ऐसे कारण रहे जो आपको अनशन पर बैठना पड़ा? मुझे मजबूरन अनशन पर बैठना पड़ा है क्योंकि यहाँ की जनता के साथ में बहुत अत्याचार अन्याय हो रहा है। यहाँ की जनता पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और यहाँ की जनता को परेशान किया जा रहा है, किसी की घुमटी तोड़ी जा रही है। जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का वोट दिया है, जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, उन लोगों पर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं। इसके खिलाफ हम और मैं और धर्मपति दोनों आज अनशन पर बैठे हुए हैं और अनशन जब तक जारी रहेगा जब तक ये मुकदमे वापस नहीं लिए जाए और इन लोगों पर मुकदमे कायम हो रहे हैं वो बंद न हो। ये क्या कर रहे हैं, मुख्य लोगों पर इन्हें मुकदमे, नेताओं पर, मुख्य जो कार्यकर्ता हैं उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। अब ये एक काम और कर रहे हैं, ये 20 नामों की हर थाने में एक लिस्ट और बनाते हैं। उस लिस्ट में क्या करते हैं, फिर लोगों को दिखाते हैं ये तुम्हारे नाम और आ गए हैं, फिर उनसे अवैध वसूली हो रही है। ये काम चालू और हो गया है, यहाँ की पुलिस के द्वारा ये काम किया जा रहा है। मुकदमे आप पर जो कराए गए हैं, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे, इसके पीछे यहाँ के विधायक का हाथ है, इसके पीछे पूरा हाथ है इसके पीछे। यहाँ के जितने भी अच्छे पुलिस वाले थे, जो अच्छा ईमानदारी काम कर रहे थे, सारे यहाँ से ट्रांसफर करा दिए गए। जो वास्तव में ही यहाँ पे जो अवैध वसूली कर रहे हैं, ऐसे लोग लाए गए हैं। उत्खनन इतना हो रहा है यहाँ पे, इतने डंपर चल रहे हैं यहाँ पे, कम से कम नहीं तो 500 डंपर अभी नए उठ के आए हैं। उसमें से मेरे को आज धमकी मिली, मुझसे कहा गया कि अगर ऐसा अनशन करोगे, यहाँ पे बैठोगे, तो हमारे पर हजारों डंपर चल रहे हैं, कहीं पे भी कुचलवा देंगे आप। तो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जैसी भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही, कांग्रेस आई, कितने कत्ल हो गए। तो मैं आपके माध्यम से मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाए और यहाँ की जनता को राहत मिले। और सर, जैसे आप अनशन पर जो बैठे हैं, आपका कब तक का क्या कितने समय तक आप अनशन पर बैठे रहेंगे? चाहे मेरे को, हमारी धर्मपत्नी को एक महीना बैठना पड़े, दो महीने बैठने पड़े, चाहे हमको साल बैठना पड़े, हम अन्न त्याग कर देंगे। हम अन्न जब तक नहीं खाएंगे जब तक हमारी जनता का न्याय न मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार बनी है उसमें बीजेपी के किसी प्रत्याशी को न्याय मिल सकता है? न मिले, मैंने आपसे क्या कहा, हमारा एक एक कतरा शरीर का वो भी गिर जाएगा, हम अन्न नहीं खाएंगे। बीजेपी के और कितने बड़े पदाधिकारी आपके साथ हैं और आने वाले हैं? यहाँ पार्टी के पूरे लोग आएंगे। आज सारे लोग अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब जब मौका मिलेगा तब तक सारे लोग आएंगे, पूरे मध्य प्रदेश के, देश के भी लोग आएंगे, ये नहीं पूरे केंद्रीय नेतृत्व भी आएंगे। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने बताया कि उन पर जो मुकदमे कायम किए गए हैं, सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया है, बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के यहाँ जो अनशन पर बैठे हुए हैं। और आगे देखेंगे कि और भी बड़े बड़े जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और उन्होंने कहा है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है वो यहाँ अनशन पर अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठे रहेंगे। दबंग न्यूज के लिए शालू गोस्वामी की रिपोर्ट, शिवपुरी।